अच्छा ये देखो ये एक ब्रांड है और बहुत पुराना ब्रांड है कि ज्यादा सी वेरिएशंस दी हुई है।, है उसने क्योंकि अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हुई हुई है और इसकी प्राइस भी आप देख लो क्या है एक जगह खड़ा कर दो ना डिफरेंट मत खोलो येलो को खोलते खड़ा कर दो चले ठीक है यहाँ पे अभी स्टॉक कर दें अब इस, इस पॉइंट को समझे आप ठीक है वैसे ही दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू माई क्राइटेरिया ना प्राइस में आता है ना रेटिंग्स में आता है है ठीक ऊपर से होल सेल भी हो रहा है एक एक ब्रांड रजिस्टर रजिस्टर हुआ हुआ था ठीक है है नहीं तभी तो हो रहा है. अच्छा एक ने ना बंदे ने इसको लॉन्च किया है वेरिएशन उसकी निकाल दी है और उसने ठीक ठाक इसमें इन्वेस्ट किया है क्योंकि आप प्राइस देखो ना ये तीन सौ तीस दिनम तक जा रही है प्राइस पिंक की और दो से इकहत्तर ये वो मतलब ठीक ठाक अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई भी है ये पंद्रह से बीस हजार वो कहते हैं ना हम लोग पंद्रह से बीस हजार देर आराम से हुआ भाई इन्वेस्ट अब और इसके बाद इसकी क्वालिटी देखो आप लेड देखो लेड के ऊपर ऐसे लगते है जैसे रबड़ लगा हुआ है ताकि टाइटली बंद हो जाए या अच्छा स्नक फिट आ जाए लेट भी उसका वो भी ऊपर से क्वालिटी भी अच्छी लग रही है और इसके कंपार्टमेंट्स जो हैं बच्चों को जैसे टिफिन में मुख्तु चीजें दीनी होती हैं चाहे सॉस डालो नगेट्स डालो या वैसे आप कोई भी ड्राई चीज बेस्ट है ये प्रोडक्ट ठीक है ये टिफ़िन आपका सबसे डिफरेंट डिजाइन भी है मार्केट में और इस जैसे इसके कंपिटिटर्स भी नहीं है इस जैसा किसी ने लॉन्च भी नहीं किया हुआ ठीक है और सालों ने नॉर्मल जो डब्बे डब्बे होते हैं सिंपल स्टाइल के वो कर दिए दिस इज बेस्ट अब मैं हूं तो मैं एज अ इन्वेस्टर मैं क्या करूं कि मेरे पास एक अच्छी मार्केट है और आई नो दिस मार्केट ठीक है मेरे पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है इस मार्केट पे मैंने ये देखा कि ये ब्रांड है और ये पुराना है और इसकी वेरिएशन है कि अगर इसका कोई एक लिस्टिंग एक कलर ख़त्म हो जाता है तो इसका बी एस आर हमेशा अच्छा रहेगा या टॉप या विनिंग में ये जाएगा मेरा मेरा प्रोडक्ट या लिस्टिंग मेरी फर्स्ट नंबर पर रहेगी हमेशा क्यों मेरी वेरिएशन बहुत है एक की सेल ना आ रही हुई दूसरे प्रोडक्ट की आएगी दूसरे की ना आई तो तीसरे कलर की आएगी तीसरे की ना आई चौथे की आएगी पंद्रह इन्वेस्टमेंट की बेस पे ही हम कह रहे होते हैं कि तब नहीं करते ठीक है अब मैं क्या करूंगी मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है एक आइडिया दे रही हूँ जिस तरह आपने क्लाइंट को ग्रैप करना है ना मैं कहती हूँ ना अपने लेक्चर में अपने चैनल पे कि आप लोग कोई ऐसी प्रोडक्ट उठा लें या ऐसे आइडियाज़ दें कि आपका क्लाइंट आपसे इम्प्रेस हो और वो कहें कि यार ये तो बड़े क्रिएटिव आइडियाज निकालते हैं इनसे काम करो जरा ट्राई करो आपको जॉब मिले ठीक है अब आप ये देखो ये एक आपका प्रोडक्ट है येलो ठीक है मेरे पास इन्वेस्टमेंट है लिमिटेड मैं कहती हूँ मेरे पास पाकिस्तानी आठ साढ़े आठ लाख रुपए हैं तो मैं इस येलो को सप्लायर से मैं कॉन्टेक्ट कर लेती हूँ या लोगों को मैं सोर्स करती हूँ मैं सिर्फ एक इसी डिज़ाइन को क्योंकि ये ब्रांड रजिस्टर नहीं हुआ हुआ ठीक है अगर कल रजिस्टर भी हो जाए तो मुझे मुझे वो उड़ा सकता है तो फिर मैं ये कर लेती हूँ इसमें थोड़े से चेंजेस कर लेती हूँ चेंजेस क्या करूंगी ब्रांड का नेम चेंज कर दूंगी और इसका सेंटर में सॉस आया हुआ है ना मैं इसका सॉस वाला जो कंपार्टमेंट है ना राइट right साइड पे कर दूंगी टॉप राइट right पे ठीक है टॉप राइट right पे मैं इसका कर देती हूँ और रिसोर्स uh, वाला जो है कंपार्टमेंट टाउनशिप में बाकी चार जो है ना थोड़े बड़े बड़े उनको मैं एक साइड पे ले आती हूँ क्या हो गया अब वो जो पेटेंट का मसला हो जाता है ना डिजाइन सेम ये वो वो वाला काम मेरा खत्म हो गया क्यों डिजाइन सेम नहीं रहा मेरा थोड़ा सा चेंज है मुझे अब कल ये ब्रांड रजिस्टर भी हो जाए तो अब ये मेरी लिस्टिंग नहीं उड़वा सकता क्यों नहीं उड़वा सकता मेरा एग्जैक्ट सेम थोड़ा ही है तो थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन चेंज किया और उसके बाद मैंने इसको ऑर्डर दे दिया और मैंने अपनी लिस्टिंग कर दी इस डिज़ाइन के साथ इसका आइडिया लेके एक प्रोडक्ट के साथ उसके बाद मैं वीवीआर वी आर और हो जो है वो फेक रिव्यूज़ वगैरह वो करवाऊ मैं उसके बाद पीपीसी या तो चलवाऊँ ठीक है बस आपको जब पीपीसी चलानी होती है आपको वी वी आर ओ लाजमी करवाना होता है क्योंकि पी, -पी, -पी, -पी से आप चला दो ठीक है और जब आप कस्टमर आता है क्लाइंट ने कोई कीवर्ड सर्च किया है और आपकी सारा पेज ओपन हो गया सेम प्रोडक्ट्स के क्लाइंट उसके पास हमेशा जाएगा जिसकी रिव्यूज ज्यादा हैं यार एक ही चीज़ है एक ही स्टाइल है लेकिन इसकी रिव्यूज ज्यादा हैं इसको लोग पसंद हैं क्लाइंट वो सॉरी कस्टमर आपका ना रिस्क नहीं लेगा ठीक है जब आपके न्यू प्रोडक्ट पे न्यू लिस्टिंग पे जब आपके वी वी आर ओ होंगे मतलब कि आपके फेक रिव्यूज कुछ हो ही हुए होंगे पच्चीस तीस हो जाना इज गुड आपके आप ना गिव अवेज करो और आ, ये चीज मतलब कि इस चीज को लाजमी करो गिव अवेज होते हैं ना फेक रिव्यूज वगैरह ये लाजमी लो जब तक रिव्यू नहीं आएगा आपकी लिस्टिंग जितनी अच्छी हो पीपीसी चला दो आपकी पीपीसी ज़ाया हो जाएगी ठीक है पीपीसी चलाने के लिए रिव्यूज मस्ट होने चाहिए पंद्रह से बीस लाजमी हो एक दफा इन्वेस्ट करें एक बार ब्लीडिंग होगी आगे, आगे आपका सब कुछ स्मूथली जाएगा आपने कस्टमर की साइकिल के साथ प्ले करना होता है कस्टमर हमेशा उसको प्रेफर करेगा जो पुराना है और जिसके रिव्यूज है और जो मार्केट में पहले से बैठा हुआ है न्यू पे वो चांस नहीं लेगा वो तो कहेगा मैंने पैसे जया कर चीज गलत निकल आए कम मतलब अज कम जो पुराना बंदा बैठा हुआ है मैं उसी से ले लूँ कम चीज तो ठीक होगी ना इसलिए आपको ना कस्टमर की साइकी के साथ प्ले करना होता है और आपको ये फेक रिव्यूज लाजमी ले पीपीसी तब तक, तक बिल्कुल मत चलाएं जब तक आपके पास रिव्यूज नहीं है ठीक है नहीं तो मेरे पास अभी रिसेंटली ये काम हुआ है एक क्लाइंट ने मुझे कांटेक्ट किया डेढ़ महीने से कोई हुई भी है उनकी सो so, एक तो उन्होंने कंटेंट भी खुद ही लिखा जो मैंने ऑप्टिमाइजेशन करनी थी तो मैंने देखा मैंने देख के ही बोला मैंने कहा कि आपने ये खुद लिखी है लिस्टिंग मैंने कहा गुड मैंने कहा रिव्यूज तो नहीं पैसे लगाने बिल्कुल भी नहीं है मैंने उनकी पिक्चर्स देखी आ, बकौल उनके स्टूडियो से हुई है लेकिन पता नहीं उन क्या फिर उन किया है कि पिक्चर्स बिना कोई मतलब मैं क्या बोलूँ आप खुद ही समझे मैंने कहा इसमें इन्वेस्टमेंट तो हो गई सुन सुन के देख देख के या अपनी लेक्चर्स लेना भी यूट्यूब से भी ट्यूटोरियल्स देखना भी गवारा नहीं किया बस उसको चढ़ा दिया अब पीपीसी चलाई जा रहे हैं चलाई जा रहे हैं ठीक है थीके? क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है लॉस में जा रहे हैं मैंने कहा काम प्रॉपर आपका हुआ हुआ नहीं है पैसे आपने ना मुझे देने हैं तो ना ही अपनी लिस्टिंग पे लगाने हैं ना इमेजेस पे लगाना है ना ऑप्टिवाइजेशन पे लगाना है ना अपने पी से तो मैंने कहा सबसे पहले आप स्टॉप कर देना कोई फायदा ही नहीं है ना आपने पे एक रिव्यूज पे लगाने हैं तो फिर आप चाहते क्या आए उसके बाद उनको जो उन्होंने डिसाइड किया खुद ही ऑफर दी और खुद ही वो मतलब कि वो भी ना दे सके जो उन्होंने मुझे ऑफर दी बस रहने रहे तो ऐसा में ना जब कमाना होता है ना तो पहले हौसला करके लगाना होता है तो जब लगाने का हौसला नहीं है तो फिर कमाना क्यों है आए गई नहीं तो ये प्रोडक्ट बड़ा प्यारा है इसको ऐसा करें आप इसको ना इसकी मैं ऑप्टिमाइजेशन सॉरी मोनीटराइजेशन मैं इसकी आपको करवाती हूँ वो हम न्यू रिकॉर्डिंग में ना कर देंगे इसको ज़रा रिकॉर्डिंग को ऑफ करें इसको मैं आपको बताती हूँ ट्रैक कैसे करते हैं